सीसीटीवी की तस्वीरों के मुताबिक यूपी के देवरिया की न्यू कॉलोनी में सब कुछ रोजमर्रा की तरह चल रहा था। गली में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ देर बाद यहाँ ऐसा हादसा होने वाला है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में एक मासूम बच्ची गली में खेलती हुई दिखाई देती है। कुछ देर बाद घर के अंदर से युवक कार में आकर बैठता है। कार में दो लोग मौजूद होते हैं और कुछ देर तक वो खड़ी कार में बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कार स्टार्ट होती है और देखते ही देखते मासूम बच्ची को रौंदती हुई आगे बढ़ जाती है। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। फिलहाल मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, लेकिन आरोपी चालक अभी फरार है। एक बाइक से बच्चा जा रहा था, उसके साथ वो पीछे बैठाल करके वो हॉस्पिटल की ओर लेकर के भागा। फिर हम लोग भी पीछे से गए और मैं इमरजेंसी तक गया। इमरजेंसी में उसने एडमिट कराया, मैं फ़ौरन पलट करके वापस आया कि यहाँ घर वालों को बता दूँ। उसके बाद मैं यहाँ आया और फिर यहाँ से लोगों के साथ फिर मैं हॉस्पिटल चला गया। क्या घटना हुआ? बच्ची एक्सपायर हो गई है क्या? हाँ, सूचना ऐसे ही मिली कि बच्ची एक्सपायर।